हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, मतलब नहा लिया है मैंने और अभी मैं बस खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये थोड़ी सी मेथी की भाजी रखी हुई थी तो वही मैंने काट ली। तो पहले मैंने सोचा सब्जी बनाऊँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा भाजी थोड़ी है, बनने के बाद और थोड़ी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं पराठे बना लेती हूँ। और इसके पराठे, वैसे तो मैं भाजी को फ्राई करती हूँ लहसुन अदरक में, फिर उसके बाद आटे में मिक्स करके ऐसे आटा लगाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा जल्दी था मुझे, तो इसीलिए फिर मैंने भाजी को, मतलब उसको फ्राई नहीं किया, कच्ची भाजी को ही आटे में मिक्स करके और पराठे बना लिए थे आटा लगा के। और ये पराठे भी बहुत टेस्टी बने थे, इसमें भाजी का थोड़ा कच्चा टेस्ट आ रहा था तो अच्छा लग रहा था, वो टेस्टी पराठे बने थे। ऐसे भी आप भी कभी ट्राई करके देखें ज़रूर। पराठे का आटा लग गया है, मैंने लगा दिया है, तो अभी लेकिन बनाऊंगी नहीं मैं, अग्रिमा स्कूल से आ जाएगी उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी। और अभी ये थोड़े से कुछ बर्तन रखे हुए हैं नाश्ते के सुबह के, तो ये मैं साफ कर लेती हूँ अभी तब तक। तो बस बर्तन साफ करने के बाद फिर अग्रिमा को स्कूल से लाने का टाइम भी हो रहा था, तो उसको फिर मैं स्कूल से लाने चली गई। तो उसको बस नहला धुला के तैयार करके अब खाने का टाइम हो गया हमारा, तो अब मैं पराठे सेक लेती हूँ गरम गरम और फिर हम लोग खाना खाएंगे। और अभी हो रहा है नाइट का टाइम और यहाँ पर मैं अग्रिमा को मेहंदी लगा रही हूँ। अग्रिमा के स्कूल में कल एनुअल फंक्शन है, तो इसीलिए उसको, मतलब जो डांस वो कर रही हूँ उसमें मेहंदी लगाना है, तो इसलिए थोड़ी सी मैं मेहंदी बना रही हूँ उसके लिए। और ये नेक्स्ट डे है, आज अग्रिमा के स्कूल में फंक्शन है, तो बस जल्दी से मैं खाना बना के उसको रेडी करके स्कूल छोड़ कर आना था, तो आज मैंने आलू मटर बना लिया था। और बस खाना वाना खा के अग्रिमा हो गई है रेडी स्कूल जाने के लिए। फंक्शन में अग्रिमा, मतलब जो डांस कर रही है, तो उसमें अग्रिमा ने ये वाली ड्रेस पहनी थी। इस फंक्शन को काफ़ी टाइम हो गया है, कुछ दिन हो गए हैं, ये थोड़ा पुराना क्लिप है। तो बस फिर फंक्शन से आने के बाद रात हो गई थी थोड़ी, मतलब हम लोग को 8 बज गया था आते आते। वैसे तो अभी फंक्शन चल रहा था, लेकिन बच्चों को, छोटे बच्चों को पहले करा दिया था फंक्शन और फिर पेरेंट्स को दे दिया था यदि घर जाना हो तो। फिर मैं आ गई थी और अग्रिमा को बस आके फिर केक, कुछ खाने की इच्छा नहीं थी, केक खाने का बोल रही थी, थोड़ी उसकी तबीयत भी ख़राब थी तो सर्दी वगैरह हो रही थी। तो फिर मैंने उसको आटे का और गुड़ का केक बनाया था, सर्दी में भी फ़ायदा करेगा और पेट भी भर जाएगा मैंने सोचा, इसीलिए मैंने मैदे का केक नहीं बनाया था फिर। तो यहाँ पर मैं अभी गुड़ को किस रही हूँ, बाकी सेम प्रोसेस होती है। वो पतीले में मैंने थोड़ा सा ऑयल और दही ले लिया है और शक्कर की जगह मैं इसमें गुड़ डालूंगी, इसको किस के हम इसको ऐसे मिक्स करके डाल देते हैं और इसको मिक्स करके फिर उसमें आटा भी डाल के हम उसको भी मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स काट लिए हैं, ये भी मैं केक में, कुछ केक में ही मिक्स कर दूंगी और कुछ केक के ऊपर से छिड़कूंगी। तो ये यहाँ पर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और ये वेनिला एसेंस है, ये सब भी मैं इसमें ऐड करूंगी। और थोड़ा थोड़ा हमें दूध भी ऐड करते जाना है ज़रूरत के हिसाब से। और इसको थोड़ा अच्छा फेंट लेंगे हम, आटे का यदि केक बनाते हैं तो थोड़ा उसको फेंटना पड़ता है क्योंकि आटा थोड़ा मिक्स नहीं हो पाता है अच्छे से, मैदा जल्दी मिक्स हो जाता है, आटा मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये मैंने वेनिला एसेंस डाला है 1 चम्मच और यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच सोडा डालूंगी और 1 चम्मच भरकर बेकिंग पाउडर।
सोडा हमें हमेशा बेकिंग पाउडर का आधा ही डालना है। और ये केक मैं बाटी वाले ओवन में बना रही हूँ। इसमें केक बहुत अच्छे से बनता है। मैं जब कभी जल्दी होती है तो मैं इसमें ही केक बनाती हूँ। ये देखिए बैटर बन के रेडी हो गया है। अब इसको मैंने केक टिन में पलट दिया है और इसको मैं बनने की रख दूंगी। और ओवन को मैंने पहले से गर्म भी कर लिया था, तो इसको बनने में करीब 40 मिनट का समय लगता है, 40 से 45 मिनट का। और जो ड्राई फ्रूट्स बचा कर रखे हों उनमें हम आटे की कोटिंग करके गेहूं के आटे से फिर केक पर डालेंगे। इससे क्या होगा, केक पकते समय ये ड्राई फ्रूट्स केक के अंदर नहीं जाएंगे। और बस इसको हम ढककर पका लेंगे 45 मिनट के लिए। और केक भी बनकर तैयार हो गया है। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।